प्राइवेट परीक्षा फॉर्म, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल कक्षा 10वीं 12वीं, ये सभी जानकारी एक साथ देखिए दोस्तों एक ही वीडियो में। श्रेणी सुधार और प्राइवेट फॉर्म किस प्रकार भरना है। हाय डियर फ्रेंड्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल के द्वारा। स्वाध्यायी परीक्षा आवेदन फॉर्म आ चुका है दोस्तों 2021 और 22 के लिए। स्वाध्यायी परीक्षा को ही हम लोग प्राइवेट फॉर्म बोलते हैं, प्राइवेट परीक्षा फॉर्म बोलते हैं। इनका आवेदन जो है ऑनलाइन किया जाना है ना। ऑनलाइन प्रक्रिया किस प्रकार होगी, आपको आवेदन किस प्रकार भरना है, किस स्कूल से जाके आप आवेदन करेंगे, सारी जो इन्फॉर्मेशन है, कितना फीस लगेगा, 10वीं और 12वीं है ना, क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, ये सारे चीज़ें। देखिए जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं है ना, उन्हीं की तरह प्राइवेट का भी सब्जेक्ट वही होता है, जैसे कक्षा 10वीं में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, वही एग्जाम आपको भी दिलाना है। बस फर्क ये है कि आपको स्कूल जाना नहीं पड़ता, जिसको अपन प्राइवेट कहते हैं। तो आइए एक एक करके सारी बातों को समझते हैं है ना। यहाँ पर देखिए हायर सेकेंडरी 2021-22 के लिए स्वाध्यायी परीक्षा के लिए आवेदन विषय प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अब कहाँ से आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे और कैसे करेंगे, जैसे कोई प्राइवेट स्कूल है या कोई सरकारी स्कूल है, जो अग्रेषण संस्था का अर्थ होता है जहाँ पर प्राइवेट परीक्षा फॉर्म फिलअप किया जाता है, डाला जाता है। जैसे मैं फेमस स्कूल का नाम बता देता हूँ, जय नारायण पांडे, जे एन पांडे, नल घर के पास है, मोतीबाग के सामने, उस स्कूल में प्राइवेट फॉर्म, ओपन फॉर्म डाला जाता है ना। तो अपने आसपास जितने भी जिले हैं छत्तीसगढ़ में, जहाँ आसपास आपका जो सरकारी स्कूल है वहाँ जाकर जरूर पता कर ले, और आपके आसपास यदि कोई प्राइवेट स्कूल है वहाँ भी फॉर्म फिलअप किया जाता है, यानी प्राइवेट और सरकारी दोनों में फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। लेकिन दोनों के शुल्क अलग अलग होंगे, प्राइवेट वाले जो है शुल्क ज़्यादा लेंगे क्योंकि वे सर्विस चार्ज जोड़ते हैं, और सरकारी शुल्क जो है इसका कम है। तो शुल्क वगैरह के बारे में बताऊँगा। कक्षा 10वीं का जिनको एग्ज़ाम दिलाना है उनको 8वीं पास होना बहुत ज़रूरी है, 8वीं पास का सर्टिफिकेट है तभी आप 10वीं का एग्ज़ाम दिला सकते हैं। 8वीं पास हैं उसके लिए एक साल का गैप होना चाहिए। जैसे आप अभी 2021 में यदि 8वीं पास हुए होंगे तो आप 10वीं का एग्ज़ाम नहीं दिला सकते, उसके लिए आपको एक साल का गैप चाहिए। यदि आप 2020 में 8वीं पास किए हैं तो ही आप जो है 10वीं का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक। उसके पहले या उसके पहले 2017 है, 18 है, 19 है, इसमें उम्र का भी क्राइटेरिया है दोस्तों। उम्र जो है ना, 10वीं के लिए 15 साल से 17 है ना, 17 साल तक के जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी 18 साल तक के, वही जो है 10वीं का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें उम्र का भी क्राइटेरिया है ना, उसका भी पालन होना चाहिए, अन्यथा आप ओपन परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। देखिए इसके बाद कक्षा 12वीं में भी एक साल का गैप आपको चाहिए। यदि आप 2020 में पास हुए हैं 11वीं, या 19 में पास हुए हैं, या 18 में पास हुए हैं, तभी आप 12वीं का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्म आपको भरने, फिलअप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको खाली 8वीं या 11वीं का मार्कशीट देना होगा, उस स्कूल में जाकर आपका फ़ोटो देना होगा, आधार कार्ड देना होगा, और जो परीक्षा शुल्क लगता है वो देना होगा। सारा जो कार्य है वो लोग जो स्कूल वाले हैं वो ऑनलाइन फॉर्म भर के है ना, जो शुल्क है उसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आपको खाली स्कूल में जाकर मुझे फॉर्म भरना है ये बताना होगा, उससे जो सारा कार्य है वो स्कूल वाले कर लेंगे दोस्तों। तो मैंने इसके बारे में बता दिया आपको, गैप होना चाहिए ये भी बता दिया। 12वीं दिलाना है कोई भी सब्जेक्ट, चाहे आप आर्ट ले, कॉमर्स ले, साइंस ले, कोई भी एनी संकाय, कोई भी संकाय लें है ना, उसमें आपको एक साल का गैप होना ज़रूरी है। यदि आप अभी अभी 11वीं पास किए हैं, 10वीं पास किए हैं है ना, तो आप 12वीं में नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है, उसके लिए आपको एक साल का गैप करना होगा। इसलिए सोच समझ कर अपना पैसा खर्च कीजिएगा, सोच समझ कर फॉर्म डालना है ना। ऐसे नहीं कि किसी को जाकर दे दिए सर मेरा 10वीं का फॉर्म भरना, ऐसा फर्जी वाला काम नहीं करेंगे। आपको क्या क्या सर्टिफिकेट देने होंगे, 10वीं का एग्ज़ाम दिलाने हैं तो 8वीं के मार्कशीट की कॉपी और 2 फोटो और पीछे आपका साइन हस्ताक्षर करके देना होगा। उसी प्रकार 12वीं का फॉर्म भरना है तो आपको 10वीं का मार्कशीट, यदि आप 12वीं फेल है और फिर से प्राइवेट परीक्षा दिलाना चाहते हैं पूरा सब्जेक्ट का, तो वैसे ही आपको 12वीं का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। आप 10वीं किसी कारणवश फेल हो चुके थे पिछले साल, तो भी आप 10वीं के बेस पर भी प्राइवेट परीक्षा दिला सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सारी जानकारी जो है दे दिया, अब इसके फीस की जानकारी जो है वो देख लीजिए। तो फीस किस प्रकार से हैं उसको देख लेते हैं। देखिए आपको ऑनलाइन जो है कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये किसी च्वाइस सेंटर से नहीं होगा दोस्तों। च्वाइस सेंटर में इसका लिंक, अगर आप जाएंगे भी च्वाइस सेंटर से भरने के लिए, तो उसको स्कूल का पासवर्ड लगता है, स्कूल के पासवर्ड जो है
ना सरकारी स्कूल वाले अपना पासवर्ड देंगे, ना ही प्राइवेट स्कूल वाले। आपको कुल मिलाकर स्कूल में ही जाकर संपर्क करना होगा, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में जाए या तो सरकारी स्कूल में जाए, है ना। और आपको कुछ इसमें दिक्कत होने वाली बात नहीं, आपको जो जो बोला गया आठवीं मार्कशीट की कॉपी या दसवीं की, इसको जरूर ले जाए और सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ दे दिया। थोड़ा वीडियो की लंबाई बढ़ रहा है, इसको थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ। देखिए परीक्षा शुल्क जो है दोस्तों, देखिए यदि आप सरकारी शुल्क के हिसाब से चलेंगे तो टोटल आपको 1100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। संपूर्ण विषय यहाँ पर 880 दिया है, जिन लोग पहले से ही है ना मंडल शिक्षा मंडल सीजी बोर्ड से आठवीं उत्तीर्ण किए हैं, नौवीं उत्तीर्ण किए हैं, दसवीं उत्तीर्ण किए हैं, उसके लिए 880 लगता है। यदि कोई अन्य बोर्ड है, जैसे कि कोई यूपी से आ गया है ना, या किसके कहीं मध्य प्रदेश से हमारे छत्तीसगढ़ में आके दिला रहा है, तो उनको 1100 शुल्क लगता है। ये सरकारी दर है, यहाँ पर सप्लीमेंट्री का भी लिखा हुआ है। लेकिन यदि आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो प्राइवेट स्कूल में 1100 रुपया तो लेंगे ही, प्लस आपको कुछ एक्स्ट्रा फीसेस भी लिया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे खर्च होते हैं दोस्तों। जैसे कि आपका फॉर्म फिलअप करने के बाद शिक्षा मंडल में जाकर जमा करना है ना, दो तीन बार राउंड अप करना, उसके बाद आपको परीक्षा की जानकारी देना, बहुत सारे और उसमें शुल्क जुड़े होते हैं। तो ये मान के चलिए कि यदि आप प्राइवेटली किसी प्राइवेट में फॉर्म भरते हैं तो आपको 2000 रुपये तक खर्च लग सकता है, क्योंकि वे भी अपना सर्विस चार्ज जोड़ेंगे ही, ठीक है, फ्री में कोई काम नहीं करता। अब डेट की बात करते हैं, ये जो डेट है 8 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक, आपकी स्क्रीन पर देखिए 8 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक पूरा फुल डेट है आपके पास। 30 अक्टूबर के पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, उसके बाद यदि 1 नवंबर से फॉर्म भरते हैं तो 550 रुपये लेट फीस के साथ भरना होगा। तो यहाँ पर मैंने सारे चीज़ों को आपको एक एक करके बता दिया है ना, यदि आप ध्यानपूर्वक सुने होंगे तो आपको समझ में आई होगी सारी बातें। अगर नहीं आई होगी तो कमेंट जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में मैं सारी बातों को बता दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।